नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। विकलांग बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनने से पीड़ित परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट कार्यालय। जिले से सटी ग्राम पंचायत कोसमी में विकलांग बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनने से शासन की योजनाओं से वंचित पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समस्याओं का निराकरण करने की मांग भी की है। वहीं मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी निवासी विजेंद्र गोखले एवं उनकी पत्नी छाया गोखले के द्वारा 6 बार आधार कार्ड सेंटर में जाकर अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरा गया है, लेकिन आज दिनांक तक उनके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया गया है, जिससे कि उन्हें शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने जानकारी में कहा कि उनका बच्चा जन्म से ही मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है। मंगलवार जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनके बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जाए व शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। क्या नाम? विजेंद्र गोखले। गोखले कहाँ रहते गोखले जी? कोसमी। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे आप? बच्चों का आधार कार्ड बनाने। कितने साल का बच्चा हो गया आपको? 8 साल। क्यों अभी तक क्यों नहीं बन पाया आधार कार्ड? 4-5 बार शासन के पास गया, लेकिन आधार कार्ड नहीं बन पाया। यहाँ पे भी जाता हूँ केंद्र पर, उनके आधार कार्ड नहीं बन गया क्योंकि बच्चा सही ढंग से देखता नहीं, विकलांग है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप। तो क्या, तो जैसे आधार कार्ड बनवाने जाते तो वहाँ तो कुछ तो बताते होंगे, उन लोग क्या बोलते हैं, क्या परेशानी बता रहे हैं? उसमें बनाएंगे, फिंगरप्रिंट से नहीं आता बोले, नहीं बन पाए। कितने सालों से परेशान है आप? 8 साल। 8 साल से परेशान है। अब तो अभी क्या लग रहा है कि आप पर सुनवाई होगी आपकी भी? अभी तो मालूम नहीं, लेकिन आपका अप्लीकेशन देने के लिए आया हूँ, सुनवाई हो या ना हो, क्योंकि पंचायत वाले मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप बच्चों का आधार कार्ड बनाओ या एक बैंक खाता खोलो, जिससे बच्चों को शासन की तरफ से जो लाभ मिलता है वो मिल पाएगा। मुझे बच्चों का अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया शासन की तरफ से। कौन सी योजना? अभी कौन सी योजना की जो लाभ मिलता है? पेंशन वाला वो नहीं मिल पाया है।